बहराइच शहर के स्टेशन रोड पर स्थित बियर की दुकान पर शनिवार देर रात दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। मुनीम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सभी को मेडिकल के लिए भेजा गया। दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर बियर की दुकान स्थित है। दुकान का ठेका टिकाऊ है जबकि दुकान पर माधव की अगुवाई में तीन मुनीम रहते हैं। मुनीम का कहना, शनिवार रात 8 बजे एक युवक आया, उसने बियर लिया। बियर का पैसा मांगने पर उसने पहले दे देने की बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी युवक नहीं समझा। कुछ देर बाद वह अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ दुकान पर आ धमका। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। दुकान के बाहर मौजूद वाहनों में तोड़फोड़ की। दुकान के बाहर परिसर में भी तोड़ा। दुकान के बाहर मौजूद राम प्रताप जायसवाल और रवि गुप्ता ने बताया, दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन एक युवक के पकड़े जाने पर अन्य सभी फरार। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। क्या हुआ इस बियर की दुकान पे? सर, हुआ यह कि वो लोग हमारे मालिक आए थे, तो अपने हिसाब किताब लेने आए थे, यहाँ पैसा कौड़ी ले जाते हैं। तो अब इधर आए वो बियर मांगने, जब बियर मैंने बियर दिया, पैसा मांगा तो मैंने पैसा मैंने दे दिया। उसने हम कहा तूने नहीं, तू पैसा नहीं दियो, तो वो 800 लोग रहे। फिर अंदर घुस आए लोग सब लोग और मारपीट करने पर उतारा हो गए, और मालिक को भी जो पैसा लेना है उनको भी मार दिए दो लोगों को, और हमारा बेर सब तोड़ काट दिए। हम भी इधर आ गए तो हमको 2-4 झापड़ भी मारा उन्होंने। कितने लोग थे? कम से कम 15-16 लोग थे सर लोग। ये कि इसकी घटना सीसीटीवी में नहीं कर रही सर? लाइट नहीं थी आज सारा दिन, लाइट कटी रही, केबल सब लगात रहा विभाग से, तो 2 बजे से कम लाइट कट गई थी, और शाम को 8-9 बजे के बीच में लाइट आई। तो क्या कुछ बियर ईयर भी उठा ले गए? बियर भी ले गए, पेटी और कुचिन साचिन सब तोड़ तार दिए, तमाम नुकसान किए।